Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. हम पढ़ रहे थे market, perfect competition, market में price कैसे fix होते हैं वो हमने देखा. अब हम पढ़ेंगे market price, market में price कैसे fix होते हैं. ठीक है, आप जब apple लेने जाते हो तो उसके प्राइजेस कैसे होते हैं, 80 होंगे, 90 होंगे, 50 होंगे, तो कैसे फिक्स होते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमेशा प्राइस डिमांड और सप्लाई से फिक्स होते हैं. जहां पर डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाएगी वहां पर क्या होंगे, आपके प्राइस फिक्स हो जाएंगे. ठीक है, पहले हम देखेंगे व्हाट इज मार्केट. मार्केट क्या होता है, जब आप बाजार जाते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए तो वहां पर क्या होता है, आपने जब चीज लेनी होती है तो क्या करते हो, एप्पल आपके सेल हो रहे हैं. ठीक है, अब एप्पल के प्राइजेस उसने आपसे क्या मांगे, 90, आपने उसको क्या ऑफर किए, 70, लेकिन फिक्स क्या हुए, 80 में आपने यस कर दी और उसने भी आपको यस कर दी, तो प्राइसेस क्या फिक्स होंगे, 80. ठीक है, इसका मतलब मार्केट में प्राइसेस कैसे डिटरमिन हुए, डिमांड करने वाला क्या देना चाहता है और सप्लाई करने वाला क्या आपको ऑफर कर रहा है, उससे क्या होते हैं, आपके प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं. क्लियर, आपके प्राइस कैसे डिटरमिन होते हैं, पहले आप ये दो चीजों को ध्यान से देखोगे तब आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी. फर्स्ट इज पेरिशेबल्स गुड्स. ये क्या होती है, ऐसी गुड्स जो जल्दी खराब हो जाती हैं. कैसे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये गुड्स क्या होती है, एक या दो दिन के अंदर खराब हो जाएंगी. आपने इसको बेच दिया तो ठीक है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी. ठीक है, उन गुड्स को क्या कहते हैं, हम पेरिशेबल्स गुड्स. ठीक है, अब क्या हो गया, अगर आप दिन में 100 kg फ्रूट लेके आए हो, ठीक है, और आपने वो फ्रूट शाम तक नहीं बेचे हैं, क्यों नहीं बेचे, आपके प्राइस थे ज्यादा, लोगों ने आपसे नहीं खरीदे, अब शाम को क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइसेस कम करके वो फ्रूट्स बेचने पड़ेंगे. क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और कल उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो. इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें सेल करनी पड़ेंगी. वो क्या होती है, आपकी पेरिशेबल्स गुड्स. उसका डायग्राम अलग होता है, पहले हम वो समझते हैं. हम मान लेते हैं सप्लाई कितने की कर रहे हो आप, आपके पास 100 kg फ्रूट है जो आपने सेल करने हैं. ठीक है, ये आपकी डिमांड कर्व, यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे के बराबर है वहां पर क्या हो जाएंगे, प्राइसेस फिक्स हो जाएंगे. कितने हो गए, 100 rupees पर kg. अब आप कहोगे सप्लाई कर्व भी स्ट्रेट क्यों है, क्यों स्ट्रेट है, क्योंकि आपके पास 100 kg ही फ्रूट है. ज्यादा होते तो सप्लाई कर्व ज्यादा ऐसे बन जाता, लेकिन सप्लाई कर्व स्ट्रेट बनेगा. क्यों, क्योंकि आपके पास फ्रूट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है. ठीक है, ये आपकी हो गई डिमांड कर्व, यहां पर आपके प्राइस क्या हो गए, फिक्स हो गए, ये आपकी क्वांटिटी. अब हम देखते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है, आपको पता है ना, कोई फेस्टिवल आता है या कोई भी चीज जब आती है तो क्या हो जाता है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है. दिवाली आ गई, करवा चौथ आ गया, कोई आपके व्रत आ गए, नवरात्रे आ गए, तो क्या हुआ, एप्पल की डिमांड ज्यादा हो गई. अब डिमांड हो गई ज्यादा तो डी कर कहां चला जाएगा, शिफ्ट हो गए ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, आपका डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम हो जाएगा और प्राइस कहां फिक्स होंगे, यहां पर. इसका मतलब 120 आपके प्राइस हो जाएंगे. K
क्या रीजन है? आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर दूसरा रीजन देखें, अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो क्या होता है? आप फेस्टिवल चले गए, ठीक है, अब आपने फ्रूट जितने लेने थे ले लिए हैं, और अब क्या कर रहे हो? पहले से डिमांड कम कर रहे हो। डिमांड क्या हो गई? कम हो गई है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? पहले से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको 100 kg फ्रूट सेल करने हैं। अगर वो प्राइस ज्यादा लेगा तो उसकी सारी चीजें बिकेंगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो क्या होगा? प्राइसेस भी कम करने पड़ेंगे, और उस पूरा उसका अगर उसको पूरा सामान बेचना है तो। क्लियर। अब आ जाते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? जो जल्दी खराब नहीं होती, जैसे ऑयल, तेल खराब हो जाता है नहीं होता, चाहे एक हफ्ता रख लो चाहे एक महीना, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। फर्नीचर, वो खराब नहीं होगा। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? जो लंबे टाइम तक आपकी खराब नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर। अब इसका सप्लाई कर्व उससे अलग होता है। पहले हम इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन एक टाइम तक इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी? ये कांस्टेंट हो जाएगी। जितने आपके पास तेल की बॉटल्स पड़ी हैं उसी को सेल करोगे, ठीक है, या आपके पास जो स्टॉक पड़ा होगा आपने उसको भी ले लिया, उसके बाद सप्लाई क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये सप्लाई कर्व क्या हो गया? जब ये ऐसे हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया, अब वो इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। डिमांड कर्व एज इट इज नेगेटिव स्लोप का होगा। अब देखते हैं यहां पे, जब आपका डिमांड कर्व, यहां डी था तो आपके प्राइसेस ऑयल के कितने थे? 100 rupees, और आप कितनी चीज ले रहे थे? 80 बॉटल ऑयल की ले रहे थे, ठीक है। प्राइसेस क्या हो गए? फिक्स हो गए। क्वांटिटी भी आपकी फिक्स हो गई। अब क्या हो गया? अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो, आपकी डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा? हमेशा डिमांड के कम होने से प्राइसेस कम होते हैं, या आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जब सामान खरीदोगे ही नहीं तो वो सेलर को क्या करना पड़ेगा? उसके प्राइसेस कम करने पड़ेंगे आपको देने के लिए, आपके पास को बेचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब डिमांड पहले से अगर कम हो जाती है तो प्राइसेस कम होंगे, और आपने क्या किया? पहले से कम क्वांटिटी परचेज की, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस पॉइंट से ज्यादा डिमांड करते हो तो क्या आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी? नो। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि सप्लाई का क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया है। इसका मतलब अब सप्लायर ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? सिर्फ प्राइस इंक्रीज कर देगा, और सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि सप्लाई कर्व यहां पर कांस्टेंट हो गया है, डिमांड के इंक्रीज होने पर डी कर्व अगर यहां शिफ्ट हो जाता है, D1 हो जाता है, तो क्या होगा? सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। मार्केट में प्राइस क्या होंगे, किस पर डिपेंड करेगा? पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर आपका प्राइसेस डिपेंड करेंगे, कि किस टाइप की गुड्स है, प्राइसेस ज्यादा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।